भारती बोर्ड हैज गिवन इट्स अप्रूवल फॉर ई ऑक्शनिंग ऑफ स्लॉट्स इन द पब्लिक ब्रॉडकास्टर सैटेलाइट नेटवर्क डीडी फ्री डिश टू प्राइवेट चैनल्स फ्रॉम फरवरी अंडर अ रिवाइज्ड पॉलिसी. दूरदर्शन विल कंडक्ट द 38th ऑनलाइन ई ऑक्शन फॉर फिलिंग अप ऑफ वेकेंट स्लॉट्स ऑफ डीडी फ्री डिश डीडीएच प्लेटफॉर्म फ्रॉम 11th फरवरी. The satellite channels licensed by the Ministry of Information and Broadcasting will be allowed to participate in the e-auction. Prasar Bharati CEO Shashi Shekhar Vempati said that DD Free Dish will be resuming e-auctions to allocate the DTH slots based on a revised policy. E-auction ke तहत एक बहुत ही transparent तरीके से private channels आते थे Free Dish पर. तो ये e-auctions almost 18 months back रुक गए थे ताकि हम पॉलिसी को रिवाइज करें, क्योंकि इसमें सिर्फ दो कैटेगरी के चैनल आते थे पहले, एक न्यूज़ के चैनल्स थे, दूसरे नॉन न्यूज़ में. तो ये दो कैटेगरी में ऑक्शन होते थे. तो अभी पॉलिसी रिवाइज हुआ है और ये जो पॉलिसी रिवीजन हुआ है ये प्रसार भारती बोर्ड ने कुछ दिन पहले अप्रूव किया था और इसके बाद जो इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री है उन्होंने भी अपना कंसेंट दे दिया है इस नए पॉलिसी के लिए. तो इसमें सबसे पहले जो बेसिक बदलाव आया है कि ऑक्शन जो है वो जॉनरा और लैंग्वेज के बेसिस पे होगा और डिफरेंट प्राइसेस होंगे, बेस प्राइसेस फॉर डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ चैनल्स. तो ये सबसे पहला बहुत ही बड़ा बदलाव था. पहले दो ही कैटेगरी होते थे, न्यूज़ एंड नॉन न्यूज़. तो अभी हमने उसको पांच कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है और इन पांच कैटेगरीज में पांच बकेट्स होंगे. हर बकेट में एक जॉनरा और लैंग्वेज के कॉम्बिनेशन में डिफरेंट डिफरेंट चैनल ग्रुप्स को हमने ग्रुप करके रखा है.